एक कोचिंग ढूंढ रहे थे बीएससी के लिए। नफीस का जो कजिन है उसको एडमिशन लेना। 25 के 25 रोजे गुजर गए, आज तक मैं एक भी बार दिन में नहीं सोया। केला हमने बोला हमको 3 चाहिए, 4 ले लीजिए, कटा हुआ रखा था ले लीजिए 4। अभी क्या एक अकेले क्या करेंगे। मैं अंगूर धुल रहा था पॉलिथीन में, ठीक है, पॉलिथीन में छेद के पानी गिराने के लिए आधा अंगूर गिर गया, आधा किलो लाया था 250 ग्राम। इतने जल्दी हमने फल काट लिया, इनसे ये चने नहीं बन रहे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वालेकुम। Assalamu alaikum guys, this is Akib Nadeem, you're watching me on channel and Khan, I'm back in the brand new vlog. Welcome to the 26th day of Ramadan. 26वां ये ना, हाँ थोड़ा भूल जाता हूँ। चारों तरफ हॉस्टल में जानते हैं क्या बात हो रही है, सिर्फ टिकट की, घर जाना है, टिकट टिकट मिल नहीं रहा है, टिकट तत्काल, टिकट ये टिकट वो, अपने तो एकदम फ्री हैं पर लोगों को घर जाने का नहीं है। मतलब मैं और नफीस तो नहीं जाएंगे, बाकी सारे मेरे दोस्त वगैरह चले गए। आसिफ भाई पहले टरका मार कर चले गए, मिनहाज भी अभी 2-3 दिन पहले चला गया, बचा मैं अपने हॉस्टल में अकेले और उधर उस हॉस्टल में नफीस बचा। अब ईद सोच रहे हैं कहाँ पे मनाए, ईद वाले दिन हॉस्टल में रहेंगे तो मनहूसियत से ही मर जाएंगे, तो सोच रहे हैं दिल्ली चले जाएं इंशाल्लाह। कुछ 2-3 भाई लोग हैं वो लोग भी मिलने के लिए बहुत दिन से बोल रहे हैं, तो हो सकता है जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। स्ट्रेस उठा मैं, उसके बाद नहाया, कपड़े वगैरह धोया, फिर गया नमाज़ पढ़ने। अभी आ रहे हैं, अभी मुझे जाना है काम से, नफीस कॉल कर रहा था, फिर पढ़ना भी है मुझे। लाइब्रेरी तो बहुत दिन से जा नहीं पा रहा हूँ, तो रूम पे ही पढ़ूंगा। तो गाइस गए थे, अभी वापस आ गए। असल में एक कोचिंग ढूंढ रहे थे बीएससी के लिए, नफीस का जो कज़िन है उसको एडमिशन लेना है। एक कोचिंग अभी गए थे, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर है, पता नहीं क्या नाम है, पता नहीं कैसी है वो, और आपको कोई पता है तो बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। ए यार लॉक लगा यार, क्या यार। गाइस नाउ इट्स स्टडी टाइम, मैं पढ़ाई करूंगा। बकलोंडा सो रहा है बगल में। नफीस भाई, नफीस भाई, नफीस भाई, रोज़ा लग जाएगा, सोइए मत। ओके। 25 के 25 रोजे गुजर गए, आज तक मैं एक भी बार दिन में नहीं सोया। पहली बार आज मैं सोया, भाग रहा है, क्या बताऊं, ये खटमल की तरह सो रहा था अभी, इसको देख के मेरे को भी नींद आ गई। मैं सोचा पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ने के लिए बैठा भी, मैंने कुछ नहीं तो 10 मिनट पढ़ा होगा, वो खटमल उधर से खर्राटा लेकर सो गया, देख के मेरे को नींद आ गई। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, डिमोटिवेट कर दिया मुझे, वरना मैं रोजे में सोता ही नहीं दिन में। देखिए छिपके देख रहा है, जानता है इतना बड़ा कांड किया है। अच्छे से बनाओ, हम तुमको एक एक चीज में गाइड करेंगे। प्याज को लाल करना होता, जल्दी लाल करो। 20 मिनट पहले उठाओ तो जमात मिल जाती है सर की। खैर खुद से जाके पढ़ रहे हैं। केला 20 का अंगूर। 4 मुर्गी में 80 रुपए का फल आ गया है, बताइए कितनी महंगाई हो गई है। फल के दुकान वालों से फल मांगो ना, अगर उनसे बोलो 1 किलो तरबूज दीजिए तो कुछ भी करके वो 1 किलो नहीं देंगे, वो देंगे आपको 1 किलो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो नहीं देंगे। 30 का हुआ रहेगा ना तो बोलेंगे अरे 42 का हुआ है, चलिए 40 ही दे दीजिएगा, 10 रुपये मतलब और ज़्यादा चेप देंगे आपको। अंगूर मांगा मैंने, 20 का अंगूर मांगा, अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो मैंने प्राइस बोल के बोला है। केला हमने बोला हमको 3 चाहिए, इसमें क्वांटिटी बोला, पैसा नहीं बोला है, तो ये 4 ले लीजिए, कटा हुआ रखा था ले लीजिए 4। अभी क्या एक अकेले क्या करेंगे, चारों ले जाइए ना, 40 हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग टेक्निक, समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे आप, जानते हैं हमारा लैंग्वेज क्यों बदला है, आसपास सब गाजीपुरिया भरा इधर, तो हमारा भी लैंग्वेज सुन सुन के हो गया, हमको भी अच्छा लगता है ऐसे बोलने में, कभी कभी ज़्यादा देर तक नहीं अच्छा लगता है। मैं अंगूर धुल रहा था पॉलीथीन में, ठीक है, पॉलीथीन में छेद के पानी गिराने के लिए आधा अंगूर गिर गया। कितना फनी स्टोरी बताया, हंसो ना हंसो। आधा किलो लाया था 250 ग्राम। इतना सा बचा है, इसको धोया मगर ये नहीं गिरा, पता नहीं क्यों, इसको इसका रंग गायब हो गया सर। अच्छा इसका रंग गायब कर दियो, ये बोल रहा है तरबूज धुलेगा, इसका रंग गायब हो गया। अरे इसी हाथ गंदे हाथ से छू के काटता है, तो मैं कहा धो देता हूँ पीछे का शेल, अब वो जब काटूंगा तो लगेगा नहीं आगे पीछे। हम गुरु पानी पीते हैं उसमें।
और फिर से चने में जो है बाढ़ आ चुकी है, पानी नहीं सूख रहा है। जल्दी से पानी सूखेगा, अकाल आएगा, तब चना खाने लायक होगा। इफ्तार का वक्त हो चुका है, अभी तक जनाब की खिचड़ी नहीं पकी है, इसीलिए बोलते हैं मास्टर शेफ ऑफ भटिंडा वालों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, भूखे मार देंगे लोग आपको इफ्तार के वक्त। इतने जल्दी हमने फल काट लिया, इनसे ये चने नहीं बन रहे। अरे वाह, बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठे बैठे इफ्तार का वक्त हो चुका है, सायरन बज चुका है, हजूर आने वाली है, बस वो खुद चल के आएगी हमारे पास। दुनिया के मुसाफिर मन आगे आगे खजूर आगे खजूर आ गई। खजूर कभी खराब होता है? खजूर नहीं खराब होता है, सालों साल चलता है। चम्मच धोना भूल गए? चम्मच धोना भूल गए? अरे बहुत गलत काम किया नफीस भाई, आज बड़े दिनों बाद खजूर। बिस्मिल्लाह। बस जमा वक्त दिल रुक हुआ सब दलू इनशाला, समझे नफीस भाई? देखो बताइए, दुआ पे हजरा बताइए। कहाँ से भाई? कहाँ से? हाँ, रेलवे में आपका जॉब लग गया क्या? वो दो तीन दिन उस बीच में रेलवे स्टेशन पे जाना होता था। गाइस नमाज पढ़ के आ गए, अभी अदनान का फोन आया हुआ था, वो अभी फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, तो वो जा रहा था वापस अपने घर बिहार शरीफ में। वो उसको खाने की जरूरत थी, मतलब वो फोन करके ऑर्डर दे दिया खाने वाले को, वो कह रहा बस उसको लाके मेरे को पहुंचा देना स्टेशन पे। स्टेशन पे ट्रेन उसकी आने वाली है 7:50 वगैरह मिनट पे। अच्छा भाई ब्लॉग लेट में अपलोड होगा वरना लोग पहुंच जाते। जा रहे हैं अभी खाना उठाएंगे स्टेशन पे देने, उसके बाद फिर ब्लॉग एडिट करूंगा फिर अपलोड करूंगा। अभी जा रहे स्टेशन। ए यार ये क्या है सब, यार इस पे क्या गिर गया है सब। ब्लेसिंग्स, मेरा बेटा को जो सब्सक्राइब करेगा उसको दुआ देगा। हम बता नहीं सकते, बहुत ही डार्क ह्यूमर है। बढ़िया भैया, बढ़िया सर, बढ़िया जरा, बढ़िया बने रही दिया दे। सो गाइस खाना हमने उठा लिया, सामने दे दिया, बस अब जा रहे स्टेशन की तरफ। आई गेस कितना 15 मिनट और होगा ट्रेन को आने में। देखिए एकदम वक्त पे स्टेशन पे आए, ठीक है, ट्रेन से पहले ही आ गए हम तो। अब ट्रेन हमसे लेट हो, पुलिस वगैरह पागल हो गया। अरे कुली पुलिस सोचता रहे हम डरता है क्या किसी से? गोवर्धन, ए गोवर्धन कहाँ हो? स्ट्रिंग ऑपरेशन। हाँ क्यूआर करो, क्यूआर करो। अरे भाई ये तो चमकदार कुर्ता पहन के आया लौंडा। अरे कोई नहीं कोई नहीं। सलामकुम, तो भैया आप देखे दो मिनट में फूड डिलीवरी की है। तो गाइस काम खत्म हो गया स्टेशन से आगे, और अभी ईशा का वक्त हो गया, जा रहा है नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो एडिट करूंगा फिर अपलोड कर पाऊंगा। थोड़ा लेट हो गया आज, कोई नहीं, खैर चलता है, कभी कभार ऐसा होता है। बाकी सब बढ़िया। अगर आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक किया कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके अपने फेवरेट पार्ट को बताया कीजिए, ताकि मैं कोशिश करता हूँ जितने मैक्सिमम कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर दूँ। दैट्स इट, मिलेंगे नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। पहुंच जाते अभी अभी घुमा देंगे हम कैमरा, ठीक है? या अल्लाह, सलाम बटन हटाओ। ए हरामगुर्द पानी पीते हैं उसमें।